हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद जमाल, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जमाल दा कमाला टॉक। दोस्तों, ये बाइक है 2022 मॉडल और ये बाइक राइट साइड पे गिर चुकी है और 30-40 की स्पीड में थी जब ये गिरी है, तो इसका बहुत सारा नुकसान हो गया है। नुकसान क्या हुआ है आगे चल के मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इसका नुकसान हुआ है। एक तो जो है इसकी इशारा टूट गया है, शुक्र है कि इशारा डुप्लीकेट था। और इसके बाद जो है इसका मीटर के अंदर जो मशीन होती है वो टूट गई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या सीन है। मीटर बॉडी नहीं टूटी, मीटर के अंदर जो मशीन होती है ना उसका एक वेट होता है वो टूट गया है। तो इसके कान टूट गए हैं, कान टेढ़े हो गए हैं, लाइट टेढ़ी जाती थी तो जैनवन इसके कान डाल रहे हैं, हेडलाइट केस जैनवन और मीटर जैनवन, ये चीज़ें इसकी जैनवन है। और ये लाइट मैं इसकी बनवा के लाया हूँ, ये भी जैनवन है क्योंकि लाइट टूट चुकी थी, तो इसलिए भाई ने कहा कि ये इसकी लाइट बनवा के दो। तो मीटर मैं आपको दिखाता हूँ, ये रबड़ है, ये यहाँ से टूटी है, यहाँ इस साइड से गिरी है ना, तो इस साइड से निशान जो है इसके ऊपर आ चुके हैं। याद रखिएगा कोई भी गाड़ी गिरे इस साइड पे तो वो काफ़ी सारे स्क्रैचेज होते हैं। इसी तरीके से हेडलाइट पे भी थी और इशारा भी टूट चुका है। तो दोस्तों, दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि कितना हल्का माल आ चुका है बाइक में। ये हल्की सी बाइक गिरी है साइड में तो उसका ये हाल हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी सुई कितने पे चली गई है। देखिए 120 के ऊपर खड़ी है सुई, हालांकि गाड़ी रुकी हुई है और सुई 120 पे। देखिए अभी इसका व्हील जो है पीछे की तरफ मूव करेंगे तो वो फौरन ही सुई ज़ीरो पे आ गई। ये देखो दोस्तों, इसका ये है हाल CD 2022 मॉडल का। इसमें सामान बिल्कुल ही हल्का आ चुका है। तो मेरी आपसे ये अपील है कि इस वीडियो को कम अज़ कम 2-3 बंदों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो होंडा तक पहुंच जाए और उनको कुछ थोड़ी बहुत ही शर्म आ जाए कि इतने पैसे वो ले रहे हैं। तो माल तो कम से कम अच्छा बना देना, 1 लाख रुपए की हो चुकी है बाइक अब, तो माल देखें किस तरह का है। ये थोड़ी सी गिरने की वजह से इतना हाल बुरा हो चुका है दोस्तों। अगर ये बाइक होती ना 2004 या 5 मॉडल या 10 मॉडल तो इसको कुछ भी नहीं होना था। ये स्क्रैचेस तो थोड़े बहुत पड़ जाते लेकिन